हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अच्छी बस करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हम न्यूट्रलाइजेशन और उसके एप्लीकेशन आपको बता चुके हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में, ठीक है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में, ठीक है। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच पेपर क्या होता है, ठीक है, इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर क्यों बोलते हैं, इसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, इसको डिजाइन किसने किया है, वो अपन सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें पीएच स्केल, ठीक है। तो क्या होती है, द स्केल विच इज यूज टू मेजर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन गिवन सॉल्यूशन इज नोन एज पीएच स्केल। इट इज डिजाइंड बाय SPL Sorensen, ठीक है। ये आपका क्या होता है, किसी सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है उसको मेजर करने के लिए एक स्पेशल स्केल डिजाइन की जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। इसकी डिजाइन किसने की थी, सोरेनसेन की थी, ठीक है। जो पीएच वैल्यू होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, माइनस नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये फॉर्मूला होता है किसका, पीएच का। ये आपको अभी पढ़ाया नहीं जाता है 10th लेवल पे, ये आपको 11th में पढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉगरिथम। आपको वैसे पहले किसी जमाने में 9th में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब हटा दिया गया है। तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये आपकी क्या होती है, पीएच वैल्यू होती है, ठीक है। तो अपन मेजर क्या कर रहे हैं पीएच स्केल से, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन मेजर कर रहे हैं, ठीक है। ये स्केल किसने डिजाइन की थी, सोरेनसेन ने डिजाइन की थी, एसपीएल सोरेनसेन। ये नाम आपका कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, हु डिजाइन पीएच स्केल, तो सोरेनसेन ने डिजाइन की थी। तो इन पीएच, पी स्टैंड फॉर पोटेंच, यहां पर पी का मतलब क्या होता है, पोटेंच, विच इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स पावर, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। 10 की पावर में अगर अपन हाइड्रोजन आयन को कंसेंट्रेशन लिखते हैं, तो आपका जो पावर में जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, पीएच बोलते हैं, ठीक है। पीएच स्केल रेंज फ्रॉम 0 टू 14, ठीक है, 0 इफ pH is less than 7, then solution is acidic. pH is greater than 7, then solution is basic. Or pH is equal to 7, then सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, ठीक है। आपका जो पीएच स्केल होता है उसमें जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है, 0 से लेके 14 तक होती है, ये 0 ये 14, ठीक है। यहां पर अलग अलग कलर क्या रहता है, मेंशन रहता है, ठीक है। एक आपको पीएच पेपर दिया जाता है, उस पेपर पे आप जो सॉल्यूशन दिया गया उसको डालो, तो उस पीएच पेपर का क्या कलर हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। उस कलर चेंज को आप इस स्केल पे कंपेयर करना कि वो कहां पर आ रहा है। तो जो वैल्यू उस कलर की आएगी, मान लीजिए 1 2 3 4 5 3 4 5 6
सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन और फोर्टीन। तो जिस वैल्यू पर वो कलर क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा, वही आपकी क्या हो जाएगी, पीएच वैल्यू हो जाएगी। अब अगर मान के चलो पीएच वैल्यू 7 से कम आती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा आती है तो क्या हो जाएगा, बेसिक। और जितनी कम वैल्यू आएगी उतना ज्यादा एसिडिक, और जितनी ज्यादा वैल्यू आएगी वो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, बेसिक। मतलब आपकी एग्जैक्ट 14 आए तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, अगर 0 आ गया तो बी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा। अगर दो सॉल्यूशन लिया, एक का पीएच 1 आया और एक का पीएच 2 आया, तो 1 जिसका आया वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये भी एसिड होगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, वीक। वैसे तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो ये हो जाता है पीएच स्केल, ठीक है। अब जो पीएच सॉल्यूशन होता है या पीएच इंडिकेटर होता है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। तो पीएच अगली हेडिंग अपन बात करेंगे, पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर फॉर पीएच वैल्यू, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर फॉर पीएच वैल्यू, ठीक है। तो द इंडिकेटर लाइक लिटमस लिटमस कॉमा फिनोफ्थलीन लीन कॉमा मिथाइल ऑरेंज एक्सेट्रा गिव नेचर ऑफ सॉल्यूशन आइदर एसिडिक और बेसिक, बट टू डिटरमाइन रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑल सॉल्यूशन एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड इन पीएच पेपर हूज कलर change according to H plus ion concentration, hence give exact value of pH for डिफरेंट सॉल्यूशन, ठीक है। क्या होता है कि आपका अगर मैं इंडिकेटर यूज करता हूं, किसका, लिटमस का या आपका मिथाइल ऑरेंज का या फिनोफ्थलीन का या रेड कैबेज जूस का, कोई सा भी इंडिकेटर यूज करता हूं, तो वो आपको केवल इतना बताएगा कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, उससे ज्यादा नहीं बता पाएगा। इवन कई बार तो बेसिक सॉल्यूशन में उसका कोई कलर चेंज नहीं होता, कभी कभार तो एसिडिक सॉल्यूशन में उसका कोई कलर चेंज नहीं होता। तो अगर हमको ये बताना है कि कोई भी जो सॉल्यूशन है वो कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना ज्यादा बेसिक है, तो उसके लिए एक यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर यूज करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पीएच पेपर, ठीक है। उस पर जैसे ही सॉल्यूशन डालोगे उसका कलर चेंज होना, उस कलर को आप पीएच स्केल से मेजर करोगे तो आपको एग्जैक्ट
पीएच वैल्यू मिल जाएगी। हर सॉल्यूशन की कुछ ना कुछ पीएच होती है, इवन वाटर की भी पीएच वैल्यू होती है 7, ठीक है। तो पीएच वैल्यू मिल जाएगी, तो आप क्या बता सकते हो सॉल्यूशन का रिलेटिव एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ बता सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती है आपकी यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, यानी पीएच पेपर को यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर क्यों बोला जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पीएच, ठीक है, पीएच का क्या सिग्निफिकेंस होता है इन डेली लाइफ, ठीक है। डेली लाइफ में पीएच का क्या सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। तो पहला आता है पीएच ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक, आवर स्टोमक वर्क प्रॉपरली एट अ पर्टिकुलर पीएच इन गैस्ट्रिक जूस HCl इज प्रेजेंट इन केस ऑफ मोर रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस पीएच ऑफ स्टोमक डिक्रीजेस विच causes pain and irritation pain and irritation pain and irritation To overcome this, we use antacid which consists of base like sodium bicarbonate or milk of magnesia, यानी magnesium hydroxide, ठीक है, which increase the pH to definite level so that stomach can work properly. क्या होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें भी पीएच का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आपके मुंह से लेके स्टोमक तक पूरी जगह पीएच का रहता है, सलाइवा का भी एक डेफिनेट पीएच वैल्यू रहता है, आपका स्टोमक में भी एक पीएच वैल्यू रहता है। एक्चुअली स्टोमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम और HCl लिबरेट होता है, तो इस HCl से आपका पीएच मेंटेन रहता है। अगर किसी कारण से जैसे चाय ज्यादा पी लिया, कोई सा भी ऐसा चीज आपने खा लिया जिससे जो गैस्ट्रिक जूस है वो ज्यादा लिबरेट हो गया, तो उस केस में आपका जो HCl भी होगा उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा H+ आयन कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उस पीएच के कम होने से क्या होगा, पेट में बहुत ज्यादा दर्द होगा, इरिटेशन होगी, चिड़चिड़ाहट होगी, बहुत
तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एंटा एसिड का यूज करते हैं। एंटा एसिड जनरली इनो वगैरह होते हैं, कई सारी गोलियां भी आती हैं, और आपका क्या होता है सिरप भी आता है, तो वो ऐसा एंटा एसिड रहते हैं। तो जितने भी एंटा एसिड होते हैं उनमें मेन कंस्टिट्यूएंट बेकिंग पाउडर या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है, यानी बेस रहता है। तो ये क्या करते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, पीएच वैल्यू वापस से बढ़ जाती है और आपका स्टोमक प्रॉपरली वर्क करने लगता है। तो स्टोमक में पीएच का इंपोर्टेंस समझ में आ गया। सेकंड, पीएच चेंज कॉजेस टूथ डिके, पीएच चेंज कॉजेस टूथ डिके। पहले इसको समझ लो क्या होता है, हमारे जो दांत होते हैं अवर टूथ हैज अ कोटिंग ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम सल्फेट एंड फॉस्फेट विच मेक इनेमल हार्ड which is insoluble in water if pH of saliva reduce below 5.5, then this enamel get corrode, hence water can reaches to root of teeth and causes pain, ठीक है। क्या होता है, हमारे शरीर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है, बोन बोलते हैं, लेकिन बोन से भी स्ट्रॉन्ग क्या होता है, हमारा टीथ। इवन अगर कोई व्यक्ति मर जाता है उसको अगर जला देते तो हड्डियां जल जाती है, दांत वैसे के वैसे बचे रहते हैं। क्यों बचे रहते हैं, दांतों के ऊपर एक लेयर होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। ये इनेमल किसका बना होता है, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये इनसॉल्युबल होता है, पानी में डिसॉल्व नहीं होता, अगर सॉल्युबल होता तो पानी पीते और दांत गायब और पेट में पहुंच गए होते, तो ऐसा नहीं होता, ये इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अब हमारा जो सलाइवा है उसका पीएच अगर कम होता जाएगा और 5.5 से भी कम हो जाएगा, तो उस कम पीएच पे, लो पीएच पे एसिडिक नेचर के कारण हमारे जो इनेमल है वो क्या हो जाएंगे, कोरोड हो जाएंगे, मतलब वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। तो अगर वो आपका इनेमल डिस्ट्रॉय हो जाता है, टूथ डिके होता है, तो आप जो पानी पीते हो वो डायरेक्ट आपकी रूट तक पहुंच जाता है। आपने सुना होगा कई बार आपकी दांतों की रूट्स बंद हो जाती है, रूट के नए ट्रीटमेंट अपन करवाते हैं, तो रूट्स जो अगर बंद हो जाती, प्रॉपर वर्किंग नहीं होती, तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो आपका जो पानी, अगर इनेमल आपका क्या हो गया, खराब हो गया, तो वो जो पानी है रूट्स तक पहुंच गया, तो उससे आपको क्या होगा, पेन होगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपका माउथ का भी जो पीएच है वो डेफिनेट लेवल तक मेंटेन रहना चाहिए। देखा होगा आपने जो आपका तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, उनके दांत बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, कोरोड हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो भी एसिड रिलीज करता है, उसके कारण आपके मुंह का पीएच या सलाइवा का पीएच कम हो जाता है, उससे भी आपका टूथ डिके हो सकता है, ठीक है। कई बार खराब पानी पीने से, जिसमें आपके ऐसे कंपोनेंट है जो एसिडिटी को कॉज करते हैं, जिससे आपके सलाइवा का पीएच कम हो रहा, उससे भी आपका टूथ डिके हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जिसके दांत खराब दिख रहे हैं ये गुटखा ही खाता होगा,
ज्यादातर खाते हैं, लेकिन कई बार खराब पानी के कारण भी आपके दांत खराब हो सकते हैं। तो आपका पीएच का टूथ डिके में भी एक रोल रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका बात करते हैं अगला जो एप्लीकेशन आता है, ठीक है, किसका, पीएच का, वो आता है थर्ड आता है इन क्यूरिंग स्टिंग ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। तो द स्टिंग ऑफ बी एंड आई कंसिस्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड ब्रैकेट में HCOOH मेथनॉइक एसिड भी इसको बोलते हैं, टू न्यूट्रलाइज दिस वी यूज सोप एंड मेटल ऑक्साइड और बेकिंग पाउडर विच इंक्रीज पीएच। सिमिलरली द स्टिंग ऑफ बस्ट कंसिस्ट बेस टू न्यूट्रलाइज देयर इफेक्ट वी यूज विनेगर, ठीक है। यानी आपको जब कीड़े मकोड़े काट लेते हैं तो दो टाइप की कीड़ों को मैंने क्लासिफाई कर दिया, एक आपकी मधुमक्खी या मक्खी या फिर आपका चींटी अगर आपको काट लेती है, तो इनके डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो उस एसिड के कारण आपके हाथ पे क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, जलन होने लगती है, ठीक है। तो एसिड आ गया, एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, तो किसका यूज करेंगे, बेस का। बेस किसमें होता है, सोप में। सोप आपका जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसिस्ट रहता है, सोप का यूज कर सकते हो। आपका दूसरा ये बेकिंग पाउडर लगा सकते हो, उसका यूज कर सकते हो। तो उससे वो क्या हो जाएगा, आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा और धीरे धीरे स्वेलिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ, अगर आपने आपको वैक्स ने काटा और आपने बेकिंग पाउडर लगा लिया तो वो स्वेलिंग कम नहीं होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वैक्स के डंक में क्या होता है, आपका बेस होता है और आपने बेस और डाल दिया तो न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, बढ़ जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसके डंक में क्या प्रेजेंट होता है, उससे आपका पीएच कम हुआ है कि बढ़ा है। अगर कम हुआ है तो बेस लगाना है और बढ़ा है तो एसिड लगाना है, उससे भी आपका ये चीज क्योर की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। अगला जो सिग्निफिकेंस आता है, इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड प्लांट ग्रोथ, ठीक है। अगला पीएच का जो इंपोर्टेंस आएगा वो किसमें आएगा, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड प्लांट ग्रोथ। कोट आएगा फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड प्लांट ग्रोथ, ठीक है। प्लांट ग्रोथ इज पॉसिबल इन certain pH of soil which may change due to excessive
प्लांटेशन, प्लांटेशन और एसिड रेन, एसिड रेन इफ पीएच बिकम लेस देन 5.3 देन प्लांटेशन देन ग्रोथ ऑफ प्लांट इज नॉट प्रॉपर हेंस टू इंक्रीज पीएच ऑफ सॉइल वी यूज लाइम कैल्शियम ऑक्साइड इफ एक्सेसिव लाइम इज यूज्ड और पीएच बिकम ग्रेटर देन देन 8.3 देन आल्सो ग्रोथ ऑफ प्लांट इज नॉट प्रॉपर हेंस टू रिड्यूस दिस पीएच वी यूज ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक मैन्योर एक्सेट्रा। क्या होता है कि आपकी जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है, मतलब कितना ज्यादा आपका सॉइल उत्पादन दे रही है, वो उसकी पीएच वैल्यू पर डिपेंड करता है। पीएच वैल्यू एक डेफिनेट लेवल से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 4 से कम नहीं होनी चाहिए। मैंने ये 5.3 लिखा है, 4 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 4 से कम हो रही है वो किस कारण से कम होती है, या तो एसिड रेन हो जाती है, या फिर आपका बार बार वेजिटेशन कर रहे एक ही क्रॉप का, जिससे पीएच कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है या कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही। तो उस केस में अगर पीएच 4 से कम होता है तो आपका प्लांट का ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो उस केस में आप क्या करते हैं, सॉइल टेस्ट करवाते हैं, सॉइल का पीएच आपको बताया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट किया जाता है कि कितनी क्वांटिटी में लाइम लेना है या कितनी क्वांटिटी में ऑर्गेनिक सब्सटेंस देना है। पीएच ना तो 4 से कम होना चाहिए ना 8.3 से ज्यादा होना चाहिए, इसके बीच में आपकी पीएच लगे नहीं। तो आप सॉइल टेस्ट करवाते हैं, उसमें आपको पता चल गया पीएच कम है कि ज्यादा है। अगर कम है तो आप क्या करेंगे, लाइम का उस पर छिड़काव करेंगे, कोई ऐसा फर्टिलाइजर देंगे जो बेस ज्यादा प्रोवाइड करेगा, एसिडिटी को कम कर देगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और आपका पीएच को बढ़ा देगा। या फिर पीएच आपका ज्यादा है तो अपन ऐसे मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस का क्या करेंगे, छिड़काव करेंगे, जिससे पीएच को क्या किया जा सके, कम किया जा सके और अच्छी फर्टाइल सॉइल ऑब्टेन की जा सके, जिससे कि आपका क्रॉप प्रोडक्शन या प्लांट ग्रोथ बहुत अच्छे से हो सके और जो भी आपको चाहिए अपनी सॉइल से, मिट्टी से, वो आपको ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तो जितने पढ़े लिखे लोग खेती करते हैं उनकी तोड़ नहीं हो सकती, क्योंकि वो हर चीज को जानते हैं, सॉइल को टेस्ट करवाते हैं, समझ। साइंटिफिक एग्रीकल्चर का जमाना आ गया है, आप नॉर्मल खेती करे जा रहे आप अपनी जमीन को भी खराब कर रहे हो और उतना प्रोडक्शन भी नहीं कर पाओगे। तो प्रोडक्शन अगर आपको हाई चाहिए, प्रॉपर सॉइल टेस्ट करवाइए, वाटर टेस्ट करवाइए, सारी चीजें करवाइए, उसके अकॉर्डिंग आप जो जरूरत की चीजें वो डालिए, अननेसेसरी एक ही चीज डाले जा रहे हो, आप पूरी सॉइल को खराब कर देंगे। तो ये आपका पीएच का इंपॉर्टेंस होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल किसने बनाई, ठीक है, उसके बाद आप उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर क्यों कहते हैं, उसके अलावा उसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ठीक है। ये पीएच हो गया, अब अपन पढ़ेंगे सॉल्ट्स, ठीक है। तो अगले लेक्चर में अपन सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए, ठीक है, कोई दिक्कत आती है पूछते रहिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर।